पलवल की न्यू कॉलोनी निवासी राजेंद्र उर्फ शम्मी शर्मा ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। मृतक के मरने से पूर्व लिखे सुसाइड नोट में 7 लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। जीआरपी ने 7 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। इसके अलावा पुलिस को मृतक की मां ने जो बयान दिया उसमें महेंद्र नामक शख्स का भी नाम लिया। जीआरपी चौकी प्रभारी राजेंद्र डागर के अनुसार पूरे मामले की जांच की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के क्या लगते हैं? मृतक का मामा हूं मैं। तो इनकी मृत्यु हुई है, किस कारण हुई थी इनकी मृत्यु? मृत्यु हुई है कि उन्होंने कमेटी डाली हुई थी इनके पास, तो कमेटी के पैसे लेने थे। 1 दिसंबर 2012 को 2017 को इसके पिताजी की भी ऐसी मृत्यु हुई थी, उन्होंने भी सुसाइड किया था। तब इन्होंने बोला था हम पैसे दे देंगे, लेकिन इसके बाद ये पैसे ना देने के अलावा इसको धमकाते रहते कि भी हम तेरे को और तेरे भाई को जान से मरवा देंगे, और क्या कहते हैं हम पैसे नहीं दे रहे, और किसी ना किसी कारण से ये लटकाते रहे, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और क्या कहते हैं इसने इस ये कदम उठाया। तो किस तरह से हुई है इनकी मृत्यु? इनकी मृत्यु सुबह ये रात को अपने घर में आए और सुसाइड नोट लिख के सुबह 2-3 बजे के आसपास ये घर से निकल गए। तो इनके घर वालों ने 3:30-4 बजे सुसाइड नोट देखा सुबह के टाइम में, और मुझे भी फ़ोन किया, मैं दिल्ली से यहाँ पर आया और सारे अड़ोसी पड़ोसी उनको ढूंढने लग गए। उसमें इन्होंने लिखा हुआ मैं रसूलपुर फाटक पे जा रहा हूँ और इसकी क्या कहते हैं वहाँ पर जाके सुसाइड करूँ, और मेरी सुसाइड के ये लोग जिम्मेदार हैं, जिन 6 लोग के ये नाम दिए। तो ट्रेन से करा इन्होंने सुसाइड? ट्रेन के आगे सुसाइड किया, रसूलपुर फाटक पे इनकी के पास इनकी बॉडी मिली है। ये लड़का है वीरेंद्र नाथ शर्मा उर्फ शम्मी, ठीक है, इसके फादर का नाम है लोकेंद्र नाथ शर्मा, ये पंजाबी पंडित हैं और अपने सरदानंद पार्क के पास न्यू कॉलोनी में रहते हैं। इस लड़के ने रात को अपने घर में सुसाइड नोट रख के आ गया था और इसने रेलवे फाटक रसूल रोड पर रेलगाड़ी द्वारा आत्महत्या कर ली थी। तो सर सुसाइड नोट में किसी का नाम? सुसाइड नोट में 6-7 आदमियों के नाम, 6 आदमियों के, संजय गुप्ता, सनोभम प्रकाश, प्रकांत उर्फ लक्की जो एक रेड चिल्ली कोई होटल है कॉलोनी में उसको चलाता है, एक रज्जी बंसल है, एक हरी चंद पंडित है कोई पिथले का, एक रामवीर पत्रकार है, एक प्रवीण चौधरी है, उसके अलावा उन्होंने एक महेंद्र भाकर का नाम लिखवाया है कि भाई उससे भी हमारा कुछ लेना देना था, और उसकी मां ने इनके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया है। तो सर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस SP साहब ने टीम गठित कर दी है इनको पकड़ने के लिए, SHO साहब भी आए हुए हैं और हमारी 3 टीम गठित की हैं और दबिश जारी है।